तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक कमाल के नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है, जिसका नाम है शॉर्टकट डिसअपेयरिंग मैसेज। मतलब कि डिसअपेयरिंग मैसेज शॉर्टकट के नाम से इस फीचर को लॉन्च किया है। क्या यह फीचर है, कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के नए अपडेट और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर जाना है आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये जो अपडेट आया है, या बोल सकते हैं ये फीचर आया है, बीटा टेस्टर के लिए भी आया है और कुछ बीटा टेस्टर के लिए आया। मतलब हो सकता है अगर आप बीटा टेस्टर है आपको ना मिले, पर फिर भी ये रोल आउट हो चुका है। इस फीचर का नाम है डिसअपेयरिंग मैसेज शॉर्टकट। तो दोस्तों, इस फीचर का काम क्या है, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है चैट्स, यहाँ पर जाना है आपको स्टोरेज एंड डेटा पे, यहाँ पर जाना है आपको मैनेज स्टोरेज पे। अब ये फीचर का नाम मेनली क्या है और कैसे यूज करेंगे, इस फीचर को मेनली दिया गया है टर्न ऑन टू डिस्प्ले अपेयरिंग मैसेज। इस फीचर को और नाम दिया गया है टूल टू सेव स्पेस। मतलब कि इस फीचर को इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने मोबाइल की जो स्पेस है उसको यहाँ पर काफी हद तक सेव कर रखें। मतलब कि अगर आप इस फीचर को ऑन करेंगे डिसअपीयरिंग मैसेज को, इससे क्या होगा, आपके जो डेटा है वो वन डे में या फिर जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड करा होगा उस टाइम पीरियड पे आपका डेटा वहां पर डिलीट हो जाएगा। और आपका जब डेटा डिलीट हो जाएगा तो आपकी स्टोरेज वहां पर फ्री हो जाएगी। तो उनका कहना है कि आपको अपने मोबाइल में डिसअपीयरिंग मैसेज को लगाना चाहिए, जिससे आपका डेटा वहां पर काफी हद तक सेव रहे, आपकी मोबाइल की स्टोरेज फ्री रहे। तो जैसा कि मैं यहां पर आया हूं मैनेज स्टोरेज में, आपको जाना है मैनेज स्टोरेज में। यहां पर आपको ये मिलेगा टूल टू सेव वाला ऑप्शन, आपको इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आपको ले जाएगा सेंड सेट मैसेज टू ऑटोमेटिक डिसअपीयर। यहाँ पर आपको डिसअपीयरिंग मैसेज सेट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आएंगे अप्लाई टाइमर टू चैट्स। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या होगा, आपको सारी चैट्स मिल जाएंगी जिन पर रिसेंटली मैसेज आए होंगे। तो वो आपको बोलेगा भैया इनमें से किसी को भी आप यहाँ पर उसमें सेट कर सकते हैं। आपको जिसको भी सेट करना है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और उन सारे ग्रुप को या फिर जो भी इंडिविजुअल मैसेज है आप उसको डिसअपीयरिंग मैसेज पर सेट कर पाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप यहां पर उसको चेंज कर सकते हैं या फिर आपका डेटा वहां पर बच सकता है। ये 90 डेज की जगह आप यहां पर कम डेज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 7 डेज, 24 डेज या 24 आवर्स के लिए यहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। मेनली उनका ये कहना है कि आप इस फीचर को यूज करके टूल टू सेव स्टोरेज करके नाम से इसको निकाला है ताकि आप अपने मोबाइल की स्टोरेज को यहां पर सेव कर सके। तो यही दोस्तों नया अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको फट से रिप्लाई भी दूंगा, और हो सके तो मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूले। और सबसे जरूरी चीज, यहां तक आपने मेरी वीडियो देख तो ली यार भाई, सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि ऐसी नई वीडियो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो थैंक यू दोस्तों।